अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ग्रेड सेवन हाउ आर यू ऑल चैप्टर नंबर फाइव सम फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इस्लाम एंड सीर इस्लामिक लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाबा फरीद गंजशेखर के बाबा फरीद को गंजशेखर का खिताब कैसे मिला। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड बाबा फरीद केम टू बी नाउ एज गंजशेखर। Once some traders were taking caravans of sugar land camel from Multan to Delhi. Baba Farid asked them what they were carrying, thinking that he might ask for some of it. They replied with scorn, it is salt. Yes, salt it may be, replied Baba Farid. When the caravans arrived in Delhi, the owners were surprised to find salt in place of sugar in their bags. Extremely worried and ashamed of themselves, the traders returned to Multan and apologized to Baba Farid Gunshakar. Baba Farid who said, if it is sugar, so it shall be sugar. When the man returned to Delhi, they were surprised to find sugar by the grace of Allah Almighty. This is how he got the title of गंजशेखर। यहाँ पर जिक्र किया गया कि एक काफिला जो था वो मुल्तान से दिल्ली जा रहा था, और उस काफिले में जो लोग थे तिजारत करने वाले, उनके पास शुगर थी उनके जो बैग्स हैं उसमें। और उन बैग्स को जब बाबा फरीद ने पूछा कि इनमें क्या है, तो उन्होंने कहा मे बी इसमें सॉल्ट है, इसमें नमक है। तो उन्होंने कहा मे बी इसमें नमक हो सकता है। और फिर जो उनका काफिला है, कारवांस हैं, वो दोबारा से उन्होंने सफ़र स्टार्ट किया अपने। जब वो अपनी मंजिल पे पहुँचे तो उनके जो ऑनर्स थे वो ये देखकर परेशान हो गए कि उसमें शुगर की जगह जो है वो सॉल्ट निकलता है, शक्कर की जगह नमक होता है। वो देखकर बड़े हैरान भी होते हैं और परेशान भी होते हैं, और फिर उन्हें ख़ुद में जो है वो शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दिल्ली से वापस मुल्तान आते हैं, बाबा फरीद से जो है वो अपोलोजाइज़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो बाबा फरीद कहते हैं कि अगर उसमें शुगर थी तो उसमें शुगर ही होगी। वो वापस जाते हैं और फिर देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसमें वाकई शुगर थी, और वो सब अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हुआ था। तो इसी वजह से उन्हें जो टाइटल दिया गया वो था गंजशेखर, जिनको आज तक हम याद करते हैं बाबा फरीद गंजशेखर के नाम से। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।